दरअसल हल्दी की कीमत मोटे तौर पर तीन बातों से तय होती है। पहली, उसमें मौजूद नमी, दूसरा उसका आकार और तीसरा उसमें हुई टूट फूट। इसमें साइज और टूट फूट को लेकर तो किसान कुछ खास कर नहीं सकता, लेकिन नमी को जरूर कम कर सकता है। इसमें उसका कोई खर्च भी नहीं आता, बस धूप में सुखाने के लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए होता है। नमी में कमी और अपनी उपज को काड़ी, गट्ठे और चूरे के रूप में छटाई कर किसान अपनी हल्दी की कीमत में खासी बढ़ोतरी कर सकता है। टोटल 15 రోజులలో 15 రోజులు మిషన్ లోడ్ కొట్టేసి 15 రోజులు ఎండబెడతాం. ఎండబెట్టిన తర్వాత కొమ్ము కొమ్ముకు మండ మండకు చూర చూరకు వేరు చేసి గ్రేడింగ్ చేసి పాలిష్ చేసి తీసుకొస్తాం ఇక్కడికి. మూడు వెరైటీస్ని తీసుకొస్తాం ఇక్కడికి. ఒక్కో వెరైటీకి కొమ్ము ఫస్ట్ వెరైటీ, గట్ట రెండో వెరైటీ, చూర మూడో వెరైటీ. ఒక్కొక్క వెరైటీకి ఒక్కొక్క రేటు ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆన్లైన్ పద్ధతి బాగుంది. इन छोटी छोटी बातों से कीमतों पर पड़ने वाले फर्क को केवल इसी एक तथ्य से समझा जा सकता है कि जिस दिन मंडी.com की टीम मंडी में पहुंची, उससे एक दिन पहले बोली में हल्दी का अधिकतम भाव 9,200 रुपए प्रति क्विंटल का बोला गया था, जबकि सबसे नीचे बिकने वाली हल्दी को भी 4,050 रुपए का भाव मिल गया था। हालांकि हल्दी की नमी के बारे में जो तथ्य है कि खेत से निकलने के बाद इसे उबाला जाता है, जिससे इसकी नमी 50% तक बढ़ जाती है। उसके बाद इसे सुखाने में कई बार किसान भले ही 10 दिन का समय लगाए, लेकिन नमी का स्तर 25-30% तक ही नीचे आ पाता है, जबकि NCDEX मानक के लिहाज से 12% की नमी आदर्श मानी जाती है। ऐसे में कई बार कारोबारियों की मुश्किल बढ़ जाती है। क्या है, हमारे हाथ में मॉइस्चर मीटिंग तो है नहीं, तो सर हम तो खाली अंदाज से लगाते हैं कि इतना इसमें जाएगा, उसे अगर 2-3 किलो ज़्यादा चले गया तो आज रेट क्या है, 80 रुपये का भाव है मिनिमम पकड़ के चलो, तो 3 किलो का शॉर्टेज कितना होगा सर, 8-24 240 रुपये, ये हमारा तो नुकसान हो जाता है, वो चीज़ हो जाती है। तो एक गाड़ी को हमारे को 24 से 25 हज़ार का उसमें लॉस हो जाता है। और कोई ऐसा एक गाड़ी तो लेते नहीं लिए, जब गाड़ी 5 गाड़ी 10 गाड़ी ऐसी आती है तो वो थोड़ा है। हम मार्केट में ये चीज़ बोले थे कि आप पहले ग्रेडिंग सिस्टम था, अभी ग्रेडिंग भी हटा दी इन लोगों ने, तो ग्रेडिंग करना चाहिए, थोड़ा माल सूखा लाना चाहिए, किसान भी अच्छा रहे, हम भी अच्छे रहें, सब अच्छे रहेंगे तो सब होगा। हमारे निजामबाद मार्केट के अंदर जो है किसान अभी भी जितना चाहिए उतना एजुकेटेड नहीं हुआ है। माल को जो है मॉइस्चर वाला, हैवी मॉइस्चर वाला माल भी मार्केट में ला रहा है। इस समय जो है आज के दिन में टेम्परेचर जो है 42-43 डिग्री है, फिर भी हमारे यहाँ 30%, 20%, 25% के मॉइस्चर के माल भी मैक्सिमम आ रहे हैं। कारण क्या है कि किसान उसको सुखाने के बदले ड्राई करके मार्केट में लाने से उसका रेट बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन नमी के अलावा हल्दी की तैयारी में पॉलिश का जो एक अन्य महत्वपूर्ण चरण है, उस मोर्चे पर किसानों में अच्छी जागरूकता आई है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान पॉलिश कर अपनी हल्दी बाजार में लाने लगे हैं। इस वजह से भी उन्हें मिलने वाले भाव में पहले के मुकाबले काफी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ अभी किसानों ने पहले पूरा का पूरा मार्केट के अंदर माल अनपॉलिश आता था, लेकिन अभी पीछे 5-7 साल से जो है मार्केट के अंदर जो भी माल आ रहे हैं वो 60-70% अभी फार्मर पॉलिश खुद ही उसको सिंगल पॉलिश करके लाता है, इसकी वजह से भी उसको भाव रेट बढ़ गए हैं। ना पहले हमारे पास एक सेगमेंट में 8-9 का बीट अलाउंस करते थे, हम परचेसर के पास जाके रिक्वेस्ट करके वो लोगों को यार्ड में लेके आना, बीट का एक्शन करना, और वो एक जगह 10 बेड़ा व्यापारी में तो 9 बीट में 2 जगह जाते थे, 2 जगह नहीं जाते थे, उसमें ज़रा हमारे बहुत डिफरेंस था। एक जगह पर एक ही जगह ज़रा बढ़ता था, एक जगह घटता था। वो हिसाब से क्या हुआ, ऑनलाइन का सिस्टम जो आने से अभी जो हमारा क्या सौदा हो गया बोले तो, अभी हम लोगों को किसी का परचेजर का घर को जाके रिक्वेस्ट करके मेरे शॉप में आओ मेरा माल लो वो बोलने का हमारा वो एक छूट गया। एक ऑनलाइन होने से हमारा ये सहूलत ये हो गया, इतना एक है हर ट्रेडर से आया तो उसको ले जाके बताना जरूरी है, लॉट नंबर लिखाना, क्वालिटी बता देना और अच्छा भाव डालो, सब माल रही है परसेंटेज इसमें है वो है, जो किसान की तरफ से जितना समझाने हम वो परचेजर को समझाते हैं। 2 साल पहले NCDEX ई मार्केट्स लिमिटेड यानी NEML की मदद से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम शुरू करने के बाद से निजामाबाद मंडी इस पूरे इलाके के लिए एक मॉडल मंडी बनकर उभरी है, और इसीलिए 14 अप्रैल से शुरू किए गए राष्ट्रीय कृषि बाजार में इसे भी शामिल किया गया है।
उम्मीद यही की जानी चाहिए कि 2 साल के अपने अनुभवों के आधार पर सामने आई कमियों को दूर कर तेलंगाना की ये मंडी आने वाले दिनों में एक रोल मॉडल स्थापित कर सकेगी। पिछले महीने राष्ट्रीय कृषि बाजार की जब शुरुआत की गई तो तेलंगाना से चुनी गई मंडियों में निजामाबाद की ये मंडी भी शामिल थी। ये स्वाभाविक भी था क्योंकि उससे पहले के 2 सालों में निजामाबाद की इस मंडी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग और ऑनलाइन टेंडरिंग को जिस सफलतापूर्वक लागू किया उससे किसानों को न केवल बेहतर भाव का लाभ हुआ है बल्कि यहाँ कीमतों के निर्धारण में भी पर्याप्त पारदर्शिता लागू हो गई है। मंडी.com के लिए निजामाबाद से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।